मध्य प्रदेश की प्राची यादव टोक्यो में होने जा रहे पैरा ओलंपिक्स में पैरा कैनो में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली भारत की पहली महिला बनने जा रही हैं। प्राची यादव के जन्म से दोनों पैर खराब हैं। 7 साल की उम्र में ही माँ गुजर गई थी। उन्होंने अपनी इन कमियों को कभी आड़े नहीं आने दिया। पैरालंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर देश के साथ प्रदेश के लोगों का भी सर गर्व से ऊंचा कर दिया। साथ ही टोक्यो रवाना होने से पहले लोग उन्हें शुभकामनाएं देने और चीयर करने पहुंचे। और हमारी सब शुभकामनाएं दिल से इनके लिए हैं कि ये जाएं और भारत का नाम रोशन करके आएं। इस दौरान प्राची यादव ने भास्कर से बातचीत की। कि मैं पैदाइश से ही दिव्यांग थी और काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा मुझे, क्योंकि जब मैं 7 से 8 साल की थी तब मेरी माँ गुजर गई थी, उनको कैंसर था। तो मेरे पापा ने ही मुझे देखभाल किया था और काफ़ी सपोर्ट किया। एजुकेशन काफ़ी लेट स्टार्ट हुई मेरी, क्योंकि चलना फिरना नहीं हो पाता था मेरा उतना। और एजुकेशन के लिए जब मैं स्कूल में एडमिशन लेने भी गई तो नॉर्मल स्कूलों ने तो मुझे मना ही कर दिया था रखने से, कि तुम चल नहीं पाती हो, हमारे बच्चों के साथ कैसे तुम सर्वाइव करोगी। इस वजह से फिर एक ग्वालियर के दिव्यांग स्कूल था जिसका नाम था अमर ज्योति स्कूल, उसमें मैंने एडमिशन लिया जिसमें दिव्यांग और नॉर्मल बच्चे साथ में पढ़ते थे, जिससे उन लोगों की हेल्प हो जाए। मैं स्टार्टिंग में मैं काफ़ी कमज़ोर थे मेरे पैर, तो उन्होंने मेरे पिताजी को बोला था कि इसको स्विमिंग कराओ, उससे है ना इसके थोड़ा इम्प्रूवमेंट होगा। तो इस वजह से मैंने स्विमिंग चालू की थी। फिर वो मेरा नेशनल स्पोर्ट्स बना, उसमें मैंने काफ़ी पदक भी हासिल किए, मेरे गोल्ड सिल्वर मेडल हैं नेशनल स्विमिंग पैरा स्विमिंग में। उसके बाद 2019 में मैंने अपना फर्स्ट नेशनल खेला जिसमें मेरा एक गोल्ड एक सिल्वर रहा था, और उसके परफॉर्मेंस के भी आप मेरा इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ। तो मैं अपना फर्स्ट इंटरनेशनल पोलैंड में खेलने गई 2019 में, वहाँ मेरा वर्ल्ड में 8वां स्थान था, जहाँ से मेरी और मेरे कोचेस की होप जाग गई कि शायद ये पैरालंपिक्स के लिए भी क्वालिफाई कर सकती है। तो वहाँ से सर ये सफ़र शुरू हुआ। मैंने इसकी शुरुआत की, तो मैं चाहूँगी हमारे और दिव्यांग खिलाड़ी जो स्पोर्ट्स से जुड़ना चाहते हैं, वाटर स्पोर्ट्स से जुड़ना चाहते हैं, तो वो इस गेम में आएँ और अपना दमखम दिखाएं। 24 अगस्त से जापान के टोक्यो में पैरालंपिक्स खेल शुरू हो गए हैं। प्राची टोक्यो पहुंच चुकी हैं। उनका इवेंट 2 सितंबर को होगा। अब पूरे भारत और प्रदेश के लोगों को पैरालंपिक्स में उनसे मेडल की उम्मीदें हैं। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।